ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत, आज जो निर्णायक जीत है, वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। ऐसा क्यों लगता है सर, आप प्रधानमंत्री को? क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। हमारे यहाँ से देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, जो खुद कर्नाटक के हैं, वो 35-40 सीटों में प्रचार किया उन्होंने। सिद्धरामैया जी ने 60-65 सीटों में प्रचार की। डीके शिवकुमार ने 65-70 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। और जो मुद्दे हमने उठाए वो सब राज्य से संबंधित था, कोई राष्ट्रीय मुद्दा हमने नहीं उठाया। पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए एक रेफरेंडम की तरह इन्होंने बना दिया अपना चुनाव प्रचार। नड्डा साहब ने कहा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन की बात करते रहे। तो मैं समझता हूँ जो प्रचार प्रधानमंत्री की ओर से हुआ वो बिल्कुल अस्वीकारा गया कर्नाटक की जनता से। और इसलिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का निर्णायक जीत, प्रधानमंत्री की निर्णायक हार। देखिए, अक्टूबर के महीने में 23 दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से निकला, 7 जिलों से निकला, 21 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी सीटों से निकला। और तब से ये साफ हो गया था कि चुनाव के समय बदलाव होगा। हमारे पार्टी के लिए, संगठन के लिए एक संजीवनी मिली, एकजुटता आई, एकता आई। और तब से हम गारंटी की कार्ड बात कर रहे हैं। तब से चामराजनगर, मैसूर, मंडिया, तुमकुर, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, रायचूर, 7 जिले में हमने गारंटी की बात की। ना हमारा प्रचार जो था, रणनीति जो था, न केवल बीजेपी हटाओ, न केवल 40% कमीशन सरकार को हटाओ, बल्कि हम करेंगे क्या। आखिरी वक्त पर हमने गारंटी नहीं दी, आखिरी वक्त पर हमने कोई वादे नहीं किए। 5 महीने से हम कह रहे हैं कि ये हमारे 5 गारंटी है। इस गारंटी के आधार पर अब कांग्रेस को फिर से जनादेश दीजिए। और मुझे खुशी है कि फिर से हमें जनता का विश्वास और जनादेश मिला। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के जो कुछ आंकड़े दे दूं मैं आपको, 21 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से हम गए, उसमें से मेरे यादाश्त सही है तो हमारे सिर्फ केवल 4 सीटें थी कांग्रेस की। अभी आज देखिए, 21 में से मैं समझता हूँ 17 या 18 हम जीते हैं। बीजेपी का सफाया हुआ है, जेडीएस को 1-2 सीट मिले हैं, निर्दलीयों को 1-2 सीट मिले हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा से जो संगठन में नई उमंग आई, नई जान आई, नई एकजुटता आई, और लोग आए भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े। और भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा था, हमारे 3 संदेश थे भारत जोड़ो यात्रा में, आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ। मैं समझता हूँ आज का जनादेश जो मिला है, निर्णायक जनादेश जो मिला है, ये जनादेश आर्थिक विषमताओं के खिलाफ है, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ है और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ है। राहुल जी ने खूब प्रचार किए, पर ये तो लोकसभा का चुनाव तो नहीं था। हमारे लोकल लीडर बड़े मजबूत लीडर थे, शिवकुमार थे हमारे पीसीसी अध्यक्ष, सिद्धरामैया जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, खड़गे जी हमारे जो सर्वोपरि कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी कर्नाटक के हैं, और कई नेता हमारे अलग अलग जिलों में, हमारे कई अलग दलित लीडर थे, लिंगायत लीडर थे, वकलिगा लीडर थे, सभी समाज सभी समुदायों के हमारे जो नेता थे, सभी ने मिलकर काम किया। जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया, लोकल लेवल इशू पर लड़ा गया, राज्य के स्तर पर लड़ा गया। दिल्ली के इंजन के लिए नहीं, बेंगलोर में क्या इंजन रहेगा, कौन सी इंजन रहेगी बेंगलोर में, उसके लिए ये चुनाव लड़ा गया। आखिरी सवाल आपसे, 2024 से पहले भी 2023 में नहीं, 2024 अभी लंबा है, अभी और 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हो सकता है जम्मू और कश्मीर में भी ये चुनाव लाएं। तो अभी 2023 में ये हमारे, ये चुनाव के जो नतीजे आए हैं हमारे लिए एक सुपर बूस्टर डोज है। अगर हम जीतते, अगर हमें 115 सीट मिलता तो एक मैं कहता बूस्टर डोज, 120 सीटें मिलती तो मैं कहता एक बूस्टर डोज, पर जिस तरीके से हम जीते हैं हमारे लिए एक सुपर बूस्टर डोज है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना,
हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, हमारे संगठन में मनोबल बढ़ेगा। तो हम 2024 के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, पर मैं जरूर ये कहूंगा कि आज कांग्रेस की जीत हुई है और प्रधानमंत्री की हार हुई है। बीजेपी नहीं हारी, प्रधानमंत्री हारे हैं।